दोस्तों, तो पिछले वर्ष तुर्की ने भारत में खसखस के बीज का आयात किया था और खसखस की खेती खसखस के आयात की तरह भारत में बहुत अधिक प्रतिबंधित हैं। तो CBN फसल उगाने के लिए हर साल कुछ किसानों को लाइसेंस देता है। खसखस आयातकों और भारत के अफीम किसानों के एक समूह का आरोप है कि थोड़ी संख्या में आयातकों ने एक अनौपचारिक कार्टेल के माध्यम से नवीनतम आयात और आदेश को रोक दिया है। आरोप यह भी है कि इन आयातकों ने तुर्की के निर्यातकों को अग्रिम भुगतान भी किया था। तो दोस्तों, पिछले साल काफ़ी इसका आरोप भी लगा था, खसखस का आयात किया गया था। तो खसखस आयातकों और भारत के अफीम किसानों के एक समूह का आरोप है कि थोड़ी संख्या में आयातकों ने एक अनौपचारिक कार्टेल के माध्यम से नवीनतम आयात आदेश को रोक दिया है। आरोप यह भी है कि इन आयातकों ने CBN के आदेश से पहले तुर्की के निर्यातकों को बहुत अधिक भुगतान भी कर दिया था। तो करीब दो हफ्ते पहले ईटी द्वारा CBN को भेजे गए सवालों का जवाब प्रेस में जाने के समय नहीं दिया गया था। तो ईटी आयातकों का नामांकन नहीं कर रहा है जिन्होंने कार्टेल के रूप में काम किया, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से इन शुल्कों को सत्यापित नहीं कर सका। ये आरोप लगाने वाले कुछ आयातकों ने रिकॉर्ड से बात की। तो दोस्तों, पिछले साल खसखस का भारत में आयात किया था, जिसके कारण खसखस के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, इसके साथ ही खसखस की जो इस वर्ष हैं भाव अभी मंडियों में अच्छे मिल रहे हैं, लगभग 1 लाख से लगा करके अच्छी क्वालिटी का टीनोपाल सुपर माल है तो 1,31,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। तो पिछले सीजन में इसका भाव 70,000 से लगा करके 1 लाख रुपये प्रति क्विंटल में बीच बेचा था किसानों ने। और खसखस की खेती में किसान शायद ही कभी सरकार को लेटेक्स बेचने के लिए पैसा देते हैं, तो वे सर्वोत्तम रूप से यदि बाहरी खरीदारों को कुछ पैकेट की तस्वीर करने का प्रबंध करते तो ऐसा कार्य जो गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत में सफ़ेद खसखस के आयात पर प्रतिबंध अभी लगाया हुआ है। अभी भारत में सफ़ेद खसखस का आयात नहीं किया जाता है, केवल ग्वालियर के स्थित CBN द्वारा जारी किए गए परमिट पर भी खसखस का आयात किया जाता है। तो CBN द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, फिर उसके बाद ही तुर्की से खसखस का आयात किया जाता है। तो इस बार अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, खसखस का आयात नहीं किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए खसखस के भाव में आपको लगातार तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जयपुर के एक आयातक हैं, उन्होंने बताया कि कार्टेल ने अग्रिम भुगतान जो पिछले वर्ष किया था तो अच्छी तरह से खेप के कई बेचों को अवरुद्ध भी किया गया था। तो इससे ये लगता है कि खसखस का जो आयात है वो इंडिया में इस वर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले साल काफ़ी इसका आयात हुआ था तो उसमें विवाद भी हुआ था और मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो सरकार क्यों करती है आयात? तो सरकार WTO कानून को पूरा करने के लिए बीज आयात कर सकती है, जो कि फ्रीटो इम्पोर्ट कम्युनिटी के रूप में लोकप्रिय हैं। और विदेश व्यापार सलाहकार NN मेनन ऑफ द ट्रेड ट्रेक कहते हैं कि सरकार ने खसखस और अन्य मादक पदार्थों के मुक्त आयात को रोकने के लिए प्रतिबंध प्रवेश बाधाएं डाल दी हैं। तो भारत में खसखस के मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए सरकार कुछ WTO मजबूरी के तहत हो सकती है, लेकिन किसान इस नीतिगत निर्णय के अंत में हो सकते हैं। तो दोस्तों, किसान इस निर्णय के पक्ष में नहीं रहेंगे, तो खसखस का आयात इस वर्ष होने की बहुत ही कम संभावनाएं लग रही हैं। इस साल बीज की पैदावार कम हुई है और कीमत भी अभी वर्तमान समय में ठीक मिल रही है। और मध्य प्रदेश मंदसौर एक अफीम किसान का जो काफ़ी लंबा चुड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर इसकी काफ़ी खेती होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं दोस्तों। तो इसका जो मुख्य कार्यालय नीमच, ग्वालियर और कोटा में है। अफीम का जो दोस्तों और जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो हैं उसके अधीन ये सारा काम किया जाता है। किसी भी प्रकार से CBN की बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार खसखस की बात करते हैं तो पिछले साल काफ़ी जो खसखस तुर्की से आयात किया गया था तो उससे संबंध में काफ़ी विवाद गहरा चुका था और जिसके कारण भाव में भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो दोस्तों, इस वर्ष जो खसखस के भाव हैं अभी तक तो किसी प्रकार से कोई आयात नहीं किया गया है, तो आयात में
होता भी है तो अगर किसान इसका विरोध करते हैं तो आयात नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ नियम है गवर्नमेंट्स के, अगर उन नियमों के तहत आयात किया जाता है तो खसखस का आयात किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां बन रही हैं तो खसखस तुर्की से आयात नहीं किया जाएगा, जिसके कारण दोस्तों खसखस के भाव में काफ़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस साल जो अफीम के रकबे का जो क्षेत्र था वो भी कम था, जिसके कारण पहले जो भाव में तेज़ी आई है उसके कारण काफ़ी किसानों ने अपना खसखस का जो बीज था वो व्यापारियों को बेच चुके हैं, तो स्टॉक में बहुत ही कम किसानों के पास खसखस बचा हुआ है। और इस साल जो उत्पादन हुआ है तो वो उत्पादन ही किसानों के पास बचा हुआ है, तो उस उत्पादन में किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों इस वर्ष जो खसखस के भाव रहने की संभावना है वो 1.5 लाख से लगा करके 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल जाने की संभावना है, तो आने वाले दिनों में आपको 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल खसखस के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो खसखस के भाव में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके साथ ही जो खसखस का आयात किया जाना चाहिए था वो नहीं होने वाला है, जिसके कारण पूरे ही इंडिया में काफ़ी खसखस की डिमांड है, और खसखस का जो एक पार्ट होता है उससे काफ़ी मुनाफा इन व्यापारियों को मिलता है, जिसके कारण खसखस को के अंदर से जो एक चूरी होती है उसको अलग किया जाता है और उसका भी उपयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से खसखस की डिमांड इस वर्ष ज़्यादा होने वाली है, इसके कारण खसखस के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। उत्पादन की बात करें दोस्तों खसखस का उत्पादन इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले भी काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी किसानों ने अपने पट्टे को निरस्त करवाया है, आवेदन दिया है हकवाई के लिए, इस कारण से खसखस का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही मौसम ने साथ नहीं दिया, काफ़ी मौसम गड़बड़ था और मौसम परिवर्तन था, जिसके कारण अफीम का उत्पादन भी किसानों के अच्छे से नहीं हुआ है, और अफीम के जो डोड़े हैं उनमें खसखस के बीज का उत्पादन कम बैठने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण उत्पादन इतना अधिकतम मात्रा में नहीं होगा। तो दोस्तों खसखस के ऊपर पूरी रिपोर्ट थी है, और पूरी तेज़ी के साथ दोस्तों खसखस के भाव आगे बढ़ने वाले हैं, तो सभी किसान भाई जो भी अपना खसखस बेचना चाहते हैं तो अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लें। यह तो हमारी एक रिपोर्ट थी जो विभिन्न क्षेत्रों से फीडबैक लेकर के हमने आप तक प्रस्तुत की है। तो दोस्तों जो भी खसखस के भाव हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे और लगभग इस वर्ष 2 लाख रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पहुंचने की संभावनाएं लग रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।